हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास के एग्ज़ाम से पहले इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम करने वाले हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में करेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं, इसके नीचे जब ये कंप्लीट होता है तो वहां पर इंग्लिश मीडियम में भी हमने इसको पूरी तरह से तैयार करके आपको दिया है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। और आपने पता होगा, जैसे हमने हिंदी में किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे, वैसे आपके इसमें भी आपको मिलेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। ये जो आपका जो जहां से बड़े प्रश्न बनने हैं, जिन चैप्टर से बड़े चार नंबर के जो प्रश्न बनेंगे, तीन नंबर के बनेंगे, उसमें से हमने बड़े बनाए, छोटे जिसमें से बनेंगे उसमें से हमने छोटे टाइप के क्वेश्चंस बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा। तो पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो आप लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता इसकी नगर नियोजन थी। ध्यान रखना, नगर नियोजन सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगर सुनियोजित नगर नियोजन सभ्यता मानी जाती है। तो और उस समय की ये जो उनकी जो नगर नियोजन की जो व्यवस्था थी, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है या उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। तो निश्चित रूप से इस पर आपका प्रश्न बन सकता है। आप लिखेंगे आगे, उत्तर इस प्रकार लिखना है जैसा मैं आपको बता रहा हूं, कि उत्खनन में प्राप्त हुए इन नगरों के निर्माण की आधार योजना, निर्माण शैली और आवास व्यवस्था में विलक्षण एकरूपता देखने को मिलती है। इस नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। अब आपको क्या करना है, पॉइंट बना बना करके एक एक जो है वो उनकी नगर नियोजन की जो व्यवस्था है, विशेषताएं जो है वो बतानी है। पहला है व्यवस्थित सड़कें और गलियां। आप सबको पता है कि एक ग्रिड पद्धति पर आधारित इस नगर की सारी जो व्यवस्था गलियां थी, जो सड़कें थी वो थी। तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि व्यवस्थित सड़कें और गलियां। सिंधु घाटी के नगरों की सड़कें, मार्ग, संपर्क मार्ग और गलियां एक सुनिश्चित योजना के अनुसार निर्मित थी। सड़कें और गलियां ग्रिड पद्धति पर निर्मित थी और सड़कें सीधी और चौड़ी हुआ करती थी। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप ये बड़ा प्रश्न कर लेते हैं तो इसमें से कई सारे छोटे प्रश्न तो आपके वैसे ही कवर हो जाते हैं, और लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, यहाँ तक कि बहुविकल्पात्मक और रिक्त स्थान वाले प्रश्न ऑटोमेटिक ही आपके इसमें से कवर हो जाएंगे। तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा जो कोर्स है इतिहास मॉडल पेपर, इतिहास के जो 10 मॉडल पेपर्स हमने बनाए हैं, उस वाले कोर्स में आपको ये पीडीएफ अलग से मिलेगी, और जो हमारे मॉडल पेपर्स हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि सभी सड़कें पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर आपस में जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, यहाँ पे हम इसकी व्यवस्थाएं पढ़ रहे हैं, तो पॉइंट वाइज हमने व्यवस्था दी है। पहला लिया हमने सुव्यवस्थित सड़कें और गलियां। आप इसको पॉइंट को थोड़ा सा घुमा के दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट है सड़कों के मोड़ पर दीवारों में गोलाई। बैलगाड़ियों, पशुओं तथा अन्य वाहनों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए सड़कों के मोड़ पर मकानों की दीवारों में गोलाई रखी गई थी। जैसे मतलब एकदम चौकोर नहीं था, ताकि वो जो कोना होता है वो लगे नहीं, तो वहाँ पे गोलाई घुमाव दिया गया था, जिससे सड़क के मोड़ पर दृश्यता स्पष्ट रहे और आवागमन में कोई असुविधा ना हो। मतलब आजकल भी ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है ना, उस जमाने में इस तरीके की उनकी एक प्लानिंग थी। गोलाई के लिए एक विशेष प्रकार की गोल ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट लिखना सुनियोजित जल निस्तारण व्यवस्था। सिंधु घाटी में जल निस्तारण व्यवस्था की व्यवस्था अति उत्तम थी। मतलब जो भी गंदा पानी होता था, जो घरों से निकलता था, उस पानी की निकासी की बहुत ही सुनियोजित व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। यहाँ सड़कें और गलियाँ लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनी थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक घर में गंदे पानी के निकासी के लिए नालियाँ थी, जो सड़कों की नालियों से मिलती थी। मतलब घर से जो नालियाँ निकलती थी वो मेन सड़क पर आती थी, मेन सड़क की नालियों से मिल जाती थी, और उसके बाद में वो उस नालियों से होते हुए पानी को बाहर ले जाती थी। दूसरी बात ये थी कि जो नालियां थी वो ढकी हुई थी, ऐसा नहीं था कि खुली हो और वहाँ पे गंदगी हो, मच्छर पैदा हो, ऐसा भी नहीं था। सड़क की नालियां सड़क के दोनों ओर बनाई जाती थी, ताकि दोनों साइड के जो मकान थे वो उससे कवर हो सकें। नालियाँ मिट्टी के गारे, चूने और जिप्सम से बनाई जाती थी। नालियों को ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था। नालियों का पानी आगे एक बड़ी नाली में गिरता था, जो पानी को शहर से बाहर ले जाता था। तो इतनी सुनियोजित व्यवस्था उन्होंने इस पानी निकासी के लिए बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, व्यवस्थित आवासीय भवन।
आवास एक निश्चित योजना के अनुसार ही बनाए जाते थे। लोगों के रहने के जो आवास होते थे उनकी बड़ी एक सुनिश्चित योजना हुआ करती थी। प्रत्येक मकान में एक स्नानागार होता था जिसे अपन बाथरूम कहते हैं, आंगन होता था जिसे अपन चौक कहते हैं, और आंगन के चारों ओर कमरे हुआ करते थे। शौचालय और रसोई घर में दरवाजे, खिड़कियाँ आदि की भी समुचित व्यवस्था की जाती थी। मतलब एक प्रकार से अगर अपन देखें तो वास्तु के अनुसार उस मकान का निर्माण करवाया जाता था। मकानों का कोई हिस्सा सड़क या गली की ओर निकला हुआ नहीं होता था। मकानों के निर्माण में प्राय पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो इनके जो मेन जो एंट्रेंस होता था मकान का, वो सड़क के पिछले भाग में होता था, मेन सड़क पे नहीं होता था, ताकि किसी प्रकार के जो है वो एक्सीडेंट की दुर्भावना जो है वो दुर्घटना न घटे, इस तरीके का भी ध्यान रखा जाता था। नेक्स्ट पांचवा, विशाल स्नानागार तथा सार्वजनिक भवन। सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक विशाल भवन मिले हैं, जिनमें सबसे अधिक आकर्षक भवन मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है। देखिए प्रश्न ये बन सकता है कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिला। मैंने आपको बताया यहाँ पे सभी प्रकार के प्रश्न आपके कवर हो रहे हैं। आगे लिखेंगे कि इस भवन के केंद्र में एक खुला हुआ चौकोर जलाशय है, जिसके चारों ओर छतों वाले गलियारे और छज्जे हैं, तथा समीप ही एक कुआं बना हुआ है। पुरातत्वविदों का मत है कि यह स्नानागार धार्मिक अवसरों पर लोगों द्वारा स्नान हेतु प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा की बस्तियों में नगर की सुरक्षा हेतु दुर्ग होते थे, और दुर्ग के अंदर ही बड़े बड़े सार्वजनिक भवन होते थे। मतलब सार्वजनिक भवन भी वहां पर प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की खुदाई में लगभग 170 फुट लंबा और 130 फुट चौड़ा भवन मिला है।